दोस्तों आज से हम पूरी दिल्ली में जनसंपर्क अभियान शुरू कर रहे हैं। जेल से निकलने के बाद मैं बहुत लोगों से मिल रहा हूँ, बहुत इलाकों में जा रहा हूँ, पूरी दिल्ली में घूम रहा हूँ, जगह जगह जा रहा हूँ। मैं जेल क्यों गया, मुझे गिरफ्तार क्यों किया गया, इसको लेके जनता के मन में कई प्रश्न हैं, जिनसे मैं व्यक्तिगत तौर पे मिल लेता हूं, उनके जवाब दे देता हूं। लेकिन मैंने सोचा कि जनता के मन में, अब मैं कई लोगों से मिल लिया, जो प्रश्न है जनता के मन में, उन प्रश्नों के जवाब मैंने एक पत्र के रूप में बनाए हैं। जनता के नाम मैंने एक पत्र बनाया है और इस पत्र को लेके 29 अक्टूबर तक अब हमारे कार्यकर्ता घर घर जाएंगे और जनता को ये पत्र, मेरी तरफ से ये पत्र देके आएंगे, ताकि जनता को पता चल सके, उनके मन में जो प्रश्न है उनको अपने प्रश्नों के जवाब मिल सकें। मैं ये पत्र आपके सामने पढ़ के सुनाता हूं, फिर बात करेंगे। मेरे प्रिय दिल्लीवासी, इन लोगों ने मुझे 5 महीने जेल में रखा। इन्होंने मुझे गिरफ्तार क्यों किया, आपको असली कारण पता चलेगा तो आपके होश उड़ जाएंगे। ये तो सब जानते हैं कि मैंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, केजरीवाल भ्रष्टाचार कर ही नहीं सकता, फिर इन्होंने मुझे गिरफ्तार क्यों किया? क्योंकि दिल्ली में जो मैं आपके लिए काम कर रहा हूं, दिल्ली में जो मैं आपको सुविधाएं दे रहा हूं, वो काम रोकने के लिए और वो सुविधाएं बंद करने के लिए इन्होंने मुझे गिरफ्तार किया। ये दिल्ली के काम क्यों रोकना चाहते हैं? मैंने दिल्ली में वो काम कर दिए जो आज तक देश में कभी नहीं हुए। इनकी 22 राज्यों में सरकारें हैं, वहां ये लोग दिल्ली वाले काम नहीं कर पा रहे। वहां जनता से, अब जनता ने वहां इन लोगों से अब पूछना चालू कर दिया कि भाई दिल्ली वाले काम उन राज्यों में क्यों नहीं हो रहे। जैसे इनकी गुजरात में सरकार है, यूपी में सरकार है, उत्तराखंड में सरकार है, राजस्थान में सरकार है, छत्तीसगढ़ में सरकार है, मध्य प्रदेश में, वहां अब लोगों ने इनसे पूछना चालू कर दिया, भाई दिल्ली और पंजाब में अगर बिजली फ्री है तो हमारी बिजली फ्री क्यों नहीं है। वहां लोगों ने इनसे पूछना चालू कर दिया, अभी दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है तो हमारे यहाँ पावर कट क्यों लग रहे हैं। वहां जनता ने इनसे पूछना चालू कर दिया, अभी दिल्ली में सबको इतनी अच्छी शिक्षा मिल रही है तो हमें क्यों नहीं मिल रही। तो वहां जनता ने, जहां 22 राज्यों में इनकी सरकारें हैं, वहां जनता ने इनकी जान खाली, इनसे पूछना चालू कर दिया कि भाई जो काम दिल्ली में हो रहे हैं वो दिल्ली वाले काम उन राज्यों में क्यों नहीं हो रहे, और इसका इनके पास कोई जवाब नहीं है। पंजाब में हमारी जीत के बाद इनको लगने लगा कि अगर जल्दी दिल्ली के काम नहीं रोके गए, दिल्ली के काम बंद नहीं किए गए, तो पूरे देश में इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी और आम आदमी पार्टी पूरे देश में फैल जाएगी। गलत तो नहीं कह रहा? पिछले 10 सालों में इन्होंने कई बार एलजी के जरिए दिल्ली के काम रोकने की कोशिश की। आपको याद होगा कैसे 2 साल तक मोहल्ला क्लिनिक की फाइल लेके बैठे रहे थे एलजी, बड़ी मुश्किल से मोहल्ला क्लिनिक की फाइल क्लियर करा के लाए थे। कैसे सीसीटीवी कैमरे की 2 साल तक फाइल एलजी लेके बैठ गए, फिर मैं, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और गोपाल राय एलजी के घर के अंदर 10 दिन तक हम उनके घर के अंदर धरना दे के बैठे, तब फाइल आए। तो इस तरह से इन्होंने पिछले 10 साल में एलजी के जरिए खूब काम रोकने की कोशिश की, लेकिन मैंने आपका कोई भी काम रुकने नहीं दिया। मैं पढ़ा लिखा हूं, पहले सरकार में ऑफिसर रह चुका हूं, इसलिए मेरे को पता है कि सरकार कैसे चलानी है और सरकारी काम कैसे करना है। तो जब ये उसमें भी सफल नहीं हुए काम रोकने में, तो इन्होंने मेरे को गिरफ्तार कर लिया। मेरे काम से इन्हें इतना डर है कि इन्होंने जेल में हर तरह की कोशिश की कि मैं सही सलामत बाहर ना आ सकूं। इन्होंने जेल में मेरी दवाइयां बंद कर दी। मैं शुगर का मरीज हूं और पिछले 10 साल से मेरे को रोज 4 बार इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं। इन्होंने जेल में मेरे इंजेक्शन बंद कर दिए।
इससे मेरी किडनी खराब हो सकती थी, मेरी मौत भी हो सकती थी। इनके इतने षड्यंत्र के बाद भी भगवान की कृपा है, आप सबका आशीर्वाद है, संविधान की ताकत है और सुप्रीम कोर्ट का न्याय है कि आज मैं जेल से बाहर आ गया और आप लोगों के बीच में हूं। जब मैं जेल में था तो मेरे पीछे से इन्होंने दिल्ली के कई काम रोक दिए। मेरे को जेल से बाहर आने के बाद अब पता चल रहा है इन्होंने कई काम रोक दिए, जैसे टूटी हुई सड़कों की मरम्मत नहीं होने दी, सीवर की सफाई रोक दी जगह जगह, पानी की सप्लाई खराब कर दी इन्होंने, अस्पतालों में दवाइयों की बंद कर दी, अस्पतालों में टेस्ट बंद कर दिए। लेकिन जेल से निकलते ही मैंने धड़ाधड़ सारे काम करवाने शुरू कर दिए। हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? अब शुरू काम धीरे धीरे सारे। तो इस षड्यंत्र में भी ये लोग सफल नहीं हुए। जैसे जेल से छूटते ही मैंने दिल्ली की टूटी सड़कों का युद्ध स्तर पर रिपेयर शुरू करा दिया और बाकी सारे भी जितने रुके हुए काम है वो भी शुरू हो रहे हैं। दवाइयां भी अब शुरू हो जाएंगी, टेस्ट भी शुरू हो जाएंगे, सारे काम अब धीरे धीरे शुरू हो रहे हैं। अब इन्होंने प्लान एक और बनाया, इन्होंने प्लान बनाया है किसी भी तरह से दिल्ली की सत्ता हासिल करो। दिल्ली की सत्ता किस लिए हासिल करो? काम कराने के लिए नहीं, दिल्ली में जो 10 साल में काम हुए उनको रोकने के लिए, ताकि गुजरात की जनता इनसे ना पूछे, उत्तर प्रदेश की जनता इनसे ना पूछे, उत्तराखंड। तो इन्होंने प्लान बनाया किसी भी तरह से दिल्ली की सत्ता हासिल करके दिल्ली के काम बंद करो। अब बात आपके हाथ में है, अगर आपने इनको आने वाले दिनों में दिल्ली में चुनाव वोट दे के जिता दिए तो ये दिल्ली के सारे काम रोक देंगे। सबसे पहले ये दिल्ली की फ्री बिजली बंद करेंगे, क्योंकि और कहीं नहीं दे रहे। तो इनकी मंशा ये नहीं है कि दिल्ली में सीख के गुजरात में फ्री बिजली देंगे, ये दिल्ली की फ्री बिजली बंद करेंगे ताकि गुजरात वाली जनता इनसे पूछना बंद कर दे, भाई दिल्ली में तो मिल रही है, हमको क्यों नहीं दे रहे। तो सबसे पहला काम ये करेंगे कि दिल्ली की फ्री बिजली बंद की जाएगी। दूसरा काम, पहले 2014 से पहले याद करो, 2015 से पहले जब हमारी सरकार आई थी, मेरे को याद है जुलाई का, आज भी महीना याद है, जून जुलाई 2014, 8-8 घंटे के पावर कट लगते थे, सारी रात इन्वर्टर डिस्चार्ज हो जाता था, जनरेटर का डीजल खत्म हो जाता था 8-8 घंटे के पास। आज 24 घंटे बिजली मिल रही है, डीजल की जनरेटर की दुकानें बंद हो गई दिल्ली के अंदर। तो अगर आपने इनको दोबारा वोट दे दिया, यूपी में 24 घंटे बिजली आती है, लंबे लंबे पावर कट लगते हैं, उत्तराखंड में आती है, गुजरात में आती है, महाराष्ट्र में आती है, यहाँ कहीं नहीं आती। इनके 22 राज्यों में इनकी सरकार है, कहीं 24 घंटे बिजली नहीं है, दिल्ली में है। तो दिल्ली की जनता सोच ले, अगर इनको वोट दे दिया तो 10-10 घंटे के पावर कट फिर दिल्ली में लगने चालू हो जाएंगे। बड़ी मुश्किल से हम सब लोगों ने मिलकर दिल्ली को संभाला है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों और सरकारी अस्पतालों को बर्बाद कर दिया जाएगा, क्योंकि बाकी किसी भी इनके 22 राज्यों में सरकारी अस्पताल ठीक नहीं है, बाकी इनके किसी भी 22 राज्यों में सरकारी स्कूल ठीक नहीं है। तो ये दिल्ली के स्कूलों को बर्बाद करेंगे, दिल्ली के अस्पतालों को बर्बाद करेंगे, ताकि वहां जनता आवाज ना उठाए। मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए जाएंगे, फ्री दवाइयां, फ्री टेस्ट, फ्री इलाज बंद कर दिए जाएंगे, आपका फ्री पानी बंद कर दिया जाएगा, पानी के लंबे लंबे बिल आने लगेंगे, महिलाओं का बसों में फ्री सफर बंद कर दिया जाएगा, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा बंद कर दी जाएगी। और दिल्ली के अंदर एक फरिश्ते योजना है, उस योजना में अगर दिल्ली में किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो उसका पूरा इलाज अंत तक दिल्ली सरकार फ्री में कराती है, चाहे आप किसी भी बड़े से बड़े अपोलो में, मैक्स में, फोर्टिस में, किसी भी बड़े अस्पताल में चले जाओ, दिल्ली सरकार फ्री में इलाज कराती है। इन्होंने बीच में वो स्कीम भी कई महीनों के लिए बंद कर दी थी, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर करा के लाए, हम दोबारा चालू कराई स्कीम। तो ये सारी स्कीमें बंद कर देंगे, सारी योजनाएं बंद कर देंगे। जिन 22 राज्यों में इनकी सरकारें हैं वहां लंबे लंबे पावर कट लगते हैं, बिजली पानी बहुत महंगे हैं, सरकारी स्कूल और अस्पताल टूटे पड़े हैं, जनता में त्राही त्राही मची पड़ी है, ये लोग वही हाल दिल्ली का कर देंगे। ये पर्चा लेके जब जाओगे, मेरी चिट्ठी लेके जाओगे, आपको दिल्ली की जनता को समझाना पड़ेगा। गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब, कुछ भी गलत कह रहा हूं तो बता देना। मैं जेल गया केवल आपके लिए। अगर मैं दिल्ली में आपके लिए ये सब काम ना करता,
अगर मैं दिल्ली में आपको ये सुविधाएं ना देता तो फिर ये मेरे को जेल नहीं भेजते, गलत तो नहीं कह रहा। अगर मनीष सिसोदिया आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल ना बनाता तो मनीष सिसोदिया कभी जेल नहीं जाता। अगर सतिंदर जैन आपके लिए मोहल्ला क्लिनिक नहीं बनाता, अच्छे अस्पताल नहीं बनाता, आपके लिए फ्री दवाइयां, फ्री टेस्ट, फ्री इलाज का इंतजाम नहीं करता, आज सतिंदर जैन जेल में नहीं सड़ रहा होता। तो हम सारे जेल गए आपके लिए। मैं, मनीष, सतिंदर आपके लिए जेल गए, इसका हमें जरा भी गम नहीं है, जरा भी दुख नहीं है। हमारी पूरी जिंदगी देश और समाज के लिए समर्पित है। लेकिन पिछले 10 वर्षों में कड़ी मेहनत और पूरी ईमानदारी से हमने आपके साथ मिलके जो काम किए हैं वो काम बंद नहीं होने चाहिए, ये मेरी चिंता है। मेरी चिंता ये नहीं है कि हम जेल गए, और भी जेल देश के लिए जेल जाना पड़ेगा जाएंगे, लेकिन मेरी ये चिंता है दिल्ली के 3 करोड़ 2 करोड़ लोगों के साथ मिलके पिछले 10 साल में हमने जो दिल्ली को सुधारा है, स्कूल सुधारे हैं, अस्पताल सुधारे हैं, लोगों की जिंदगी सुधारी है, वो काम बंद नहीं होने चाहिए। दिल्ली के कामों को और आपको मिल रही सुविधाओं को अब केवल आप अपने वोट की ताकत से बचा सकते हो। मुझे भरोसा है कि हम सब मिलके बीजेपी के काम रोकने के हर षड्यंत्र को आगामी विधानसभा चुनाव में वोट की ताकत से हराएंगे। मुझे विश्वास है कि दिल्ली में सभी कामों को जारी रखने के लिए आप आम आदमी पार्टी की सरकार फिर बनाएंगे और आपके वोट के समर्थन से मैं फिर से मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभालूंगा और पहले की तरह आपके सारे काम करवाऊंगा। ये चिट्ठी लेके अपने को घर घर जाना है। ये जनसंपर्क अभियान है जिसको आज से शुरू कर रहे हैं। एक एक कार्यकर्ता को मेरे लिए नहीं करना, अपनी दिल्ली बचाने के लिए करना है। और दिल्ली ने पूरे देश को एक उम्मीद दी है। ये जो काम हमने किए हैं, अस्पतालों के, स्कूलों के, बिजली के, पानी के, सड़कों के, तीर्थ यात्रा के, महिलाओं की यात्रा के, फरिश्ते स्कीम, ये काम किसी ने सोचा ही नहीं था, किसी पार्टी ने किया ही नहीं था और ना इनके करने की कोई मंशा है। ये काम रुकने नहीं चाहिए। तो जो जो लोग देश के लिए सोचते हैं, दिल्ली के लिए सोचते हैं, वो सारे इसमें लगेंगे। इसलिए नहीं लगेंगे कि मैंने कहा, इसलिए लगेंगे कि अपनी दिल्ली की और अपने देश की चिंता है। तो सब लोगों को अगले 10 दिन तक 15 दिन तक खूब मेहनत के साथ इस कार्यक्रम के अंदर हिस्सा लेना है, घर घर जाना है और जनता को बताना है कि केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, इनकी गिरफ्तारी का सच क्या है।